स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे बहुत अच्छे अंक जो आपके हाथ में लिखते ही आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। मैं आज आपको अंकों को लिखने के लिए आपके हाथ पर नहीं कहूंगी, बल्कि आपकी हथेली पर कहूंगी। वही हथेली जिस हथेली पर हमारी रेखाएं होती हैं, जिन्हें देखकर हमारे भविष्य का आंकलन किया जाता है। इन्हीं हथेलियों में बहुत सारे पर्वत होते हैं, जिनसे हमारे ग्रहों का हम आंकलन करते हैं। शनि पर्वत कैसा है तो शनि कैसे होंगे, गुरु पर्वत कैसा है तो गुरु कैसे होंगे, बुध पर्वत से बुध के बारे में पता चलता है और सूर्य पर्वत से सूर्य के बारे में पता चलता है। इसी तरह चंद्रमा, मंगल, मंद मंगल, राहु, शुक्र, ये सारी चीजों के बारे में आपको आपके एक हाथ से पता चल सकता है। हाथों में बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जैसे कि शंख का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, त्रिशूल का, मछली का, ये सारे के सारे शुभ चिन्ह बताते हैं कि हमारे जीवन में हमें कौन सी उम्र में और क्या प्राप्त हो सकता है। जिस पर्वत के आसपास ये चिन्ह बने होते हैं, उससे ये संकेत मिलता है कि हमें कौन सा ग्रह क्या और कौन सी उम्र में दे सकता है। यही चिन्ह हमें ये भी बताते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमें किन चीजों के लिए कब तक इंतजार करना है। इसी तरह कुछ रेखाएं, जैसे कि सबसे छोटी उंगली के साइड में यहाँ पर रेखाओं से मालूम पड़ता है कि आपके कितने विवाह होंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। कई लोग यही से बता देते हैं कि आपके बच्चे कितने होंगे और आपको अपने बच्चों का सुख कैसा मिलेगा। इसी प्रकार आपकी हथेली के ऊपर कहाँ पर कौन सी रेखा किस दिशा में जा रही है, किस पर्वत को किस पर्वत से टच कर रही है, ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि आपके जीवन का चक्र कब, कैसे और किस तरह चलेगा। क्या चीजें आपको प्राप्त हो गई हैं और क्या चीजें आपको आने वाले भविष्य में प्राप्त हो सकती हैं। इन्हीं चीजों को मजबूत करने के लिए हम बहुत सारे उपाय आपको बताते रहते हैं। जब हम अपने ग्रहों को सुधारने की बात करते हैं तो हम आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं जो आपकी हथेली द्वारा की जाती हैं। जैसे कि जिसका बुध बहुत ज्यादा कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति को हम गुरु पर्वत के ऊपर अंगूठा रखकर दबाकर श्री हरि बोलने के लिए कहते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर शनि पर्वत कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति को हम हमेशा हाथों को इस तरह बंद करके मुट्ठी बनाकर हम हनुमान जी का 11 बार जाप करने की सलाह देते हैं। जिनकी कुंडली या जिनकी हथेली या जिनके पर्वत बहुत कमजोर होते हैं ग्रहों से, ऐसे लोगों को हम अक्सर उनकी इन्हीं हथेलियों द्वारा बहुत सारे सरल उपाय बता दिया करते हैं, जिससे उनकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह भी मजबूत हो पाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे पास हमारा रतन शास्त्र है, जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सी उंगली में। इसका भी संबंध कहीं ना कहीं आपके इन पर्वतों से जुड़ा होता है। जैसे कि पुखराज हमेशा गुरु पर्वत के ऊपर वाली उंगली, सबसे पहले वाली उंगली में पहनाया जाता है, इसी प्रकार पन्ना हमेशा आपको बुध पर्वत के ऊपर यानी कि सबसे छोटी उंगली में पहनाया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि आपके हाथ से आपके ग्रहों को मजबूती दी जा सकती है। अगर ऐसा है तो इन्हीं हथेलियों को क्या हम कुछ ऐसा करके सिद्ध कर सकते हैं जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए? तो मेरा आंसर है, बिल्कुल किया जा सकता है। इन्हीं हथेलियों पर इन उंगलियों के द्वारा मुद्राएं बनाकर हम बहुत सारे योग कर सकते हैं और इन्हीं मुद्राओं का प्रयोग करके हम बहुत सारी अपनी पूजाओं को सिद्ध करते हैं। तो चलिए आज आपको मैं बता देती हूँ वो क्रिया जिसको करने मात्र से आपकी मनोकामना एक रात में पूर्ण हो जाएगी।
करना क्या है आपको बताने से पहले ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी साथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आपको रेड पेन ले लेना है और आपको 3 जगह ये नंबर लिखने हैं। बहुत ध्यान पूर्वक अच्छे से शांति से बैठ जाइए, पेन पेपर ले लीजिए और बहुत प्यार से समझकर नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला नंबर आपको लिखना है आपके शुक्र पर्वत पर, जो कि होता है आपके अंगूठे के ठीक नीचे, और यहाँ पर आपको नंबर लिख देना है 6। दूसरा नंबर आपको लिख देना है अपनी पहली उंगली के बिल्कुल नीचे, यानी कि गुरु पर्वत के ऊपर, और यहाँ पर आपको लिख देना है नंबर 9। उसके बाद आपको अपनी सबसे छोटी उंगली जिसके नीचे आता है आपका बुध पर्वत, वहां पर लिख देना है नंबर 3। 3, 6, 9 ये एक ऐसे नंबर का संयोग है जो इंसान को हर तरह की ताकत प्रदान करता है। इसके बारे में भी एक बहुत अच्छा एपिसोड किसी दिन आपके सामने जरूर लेकर आऊंगी। ये 3 नंबर लिखने के बाद आपको अपने अंगूठे को इस तरह अंदर करके अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है। 3 बार आपको बोलना है ओम जुम सह। 3 बार इस मंत्र को बोलने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। रात्रि के वक्त आप ये कार्य करके आराम से सो जाइए। सुबह उठकर अपने हाथों को सर्वप्रथम आप कच्चे दूध से साफ कर लीजिए। करके देखिए ये छोटा सा उपाय, मनोकामना सिद्ध हो जाए तो हमें जरूर बताएं। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।